बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में अब की कमी। का फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग बनाने के से पहले मैं अपना कुछ बारे में अपना जान। जय हिंद दोस्तों, फिर कैसे हैं, फिर आपका स्वागत करता अपने ब्लॉग चैनल पे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम आए हैं यहाँ सोमेश्वर धाम गोवर्धना, जो रामनगर में पड़ता है, बेतिया से आपको 70 किलोमीटर दूरी पे है दोस्तों। तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा पैलेस है। और बात करते हैं यहाँ मंदिर, तो कई पहाड़ियाँ चढ़ने के बाद वो मंदिर आती है दोस्तों। अभी स्टार्टिंग में है, हम नीचे हैं और आगे आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। और आगे हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हर वीडियो कवर करेंगे दोस्तों। जंगल से होते हुए, रास्तों से होते हुए, नदी नाला और कितनी पहाड़ी चढ़ने के बाद वो मंदिर है, और वो मंदिर कहाँ है दोस्तों, वो भी इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे। वो ना ही नेपाल में है ना ही इंडिया में दोस्तों, वो एक बॉर्डर लाइन पे है दोस्तों। तो देखिए ये कितनी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और आप हमारे पीछे देख रहे हैं गाड़ी कितनी लगी है, ये सारे गाड़ी लगा के भी गए हैं दोस्तों। तो काफ़ी चढ़ाई होती है और यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है। आप हमारे पीछे वो देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो पहाड़ी पूरी दिख रही है। ऐसे ऐसे ना जाने कितनी पहाड़ी हमको मतलब पार करके जाना पड़ेगा दोस्तों। तो बने रहिए, आगे जैसे भी होता है हम आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। तो अब बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए यहाँ से दुकानें शुरू हो गई है, और हम धीरे धीरे चल रहे हैं अंदर, पहाड़ी की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे। देखिए कितनी भीड़ लगती है, हालांकि गवर्नमेंट सब, देखिए दुकानें लगी हैं। जब जंगल में हिलेंगे तो दोस्तों वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे, आप देख के हैरान हो जाइएगा। बस बनते रहिए हमारे साथ, देखिए ये पहाड़ी ऐसे भी जीता जाता पहाड़ी है दोस्तों। यहाँ एंट्री के लिए दोस्तों पहले नॉमिनेशन करा जाता है, नाम एंट्री वगैरह होता है। तो देखिए यहाँ नाम एंट्री करके जाते हैं, फिर आपको 3-4 जगह नाम एंट्री होगा, फिर वहाँ से आते समय आपका नाम काटा जाएगा कि आप अंदर आए या नहीं आए, बाहर निकले कि नहीं निकले, फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है, सर्च किया जाता है, बहुत ही सेफ्टी की जाती है। तो देखिए बने रहिए, देखिए काफ़ी तादाद में भीड़ है दोस्तों, आप ये भीड़ देख पाएंगे।